हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स इन आईटी डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर आईटी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैसे हों और वो ऑर्गेनाइज कंट्रोल्स कैसे हों। तो हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही कंट्रोल्स को डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल का कंट्रोल्स है। तो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें ये देखोगे क्या किस व्यक्ति की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन मेट्रिक्स देखोगे आप कि टॉप में कौन है, या आईटी डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे, आईटी ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स देखोगे और उसमें ही देखोगे कौन बंदा कहाँ पर है, क्या क्या पोजीशन, क्या क्या डेजिग्नेशन है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। उसके बाद आप ये देखोगे किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये देखोगे अथॉरिटी क्या है। अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसकी रूल्स डिफाइंड होनी चाहिए, ये उसके रूल्स हैं। क्योंकि रोल्स होंगे तभी वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएगा और फिर उसके उस पर्टिकुलर रोल को निभाने के लिए उसको अथॉरिटी भी होनी पड़ेगी। तो उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से बनना चाहिए कि ड्यूटीज़ का सेग्रीगेशन होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी पूरी तरीके से पूरी प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर चेक्स और बैलेंसेज होने बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, कोर्ट अलग होता है, इलेक्शन कमीशन अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग होती हैं, गवर्नमेंट अलग होती है, साथ में आपके और इंस्टीट्यूशंस हैं अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और हमने ये बोला जाना था कि कई केसेस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज क्या होता है कि ऑटोमेशन बढ़ता चला गया है। पहले 1000 लोग जो काम करते थे अब वो 100 लोग काम करने लगे हैं और कल की डेट में वो 10 लोग, कई जगह पर आज जहां 1000 लोग काम करते थे वहां 10 लोग काम कर रहे हैं और जहां 100 लोग काम करते थे वहां 2 लोग काम कर रहे हैं। तो वहां पर सेग्रीगेशन उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में काम करता है तो वहाँ पर आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं होती। और वहाँ पर हमें कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, उन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को कंपेंसेट करते हैं कि नहीं करते हैं वो कंट्रोल्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आईटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम जब लास्ट लेवल तक उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को देख लेंगे और रूल्स देख लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देख लेंगे और ये देख लेंगे कौन कौन से कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स फाइनली लोग पर डिपेंडेंट करते हैं, आदमी ही उन कंट्रोल्स को जिंदा रखता है। मतलब जो लेवल ऑटोमेशन हो गया तो ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन होने के बाद क्या है कि ऑटोमेशन क्या है, नीचे के लेवल छोटे जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रक्चर्ड वर्क है, स्ट्रक्चर्ड वर्क है, जो रिपीटेटिव वर्क है उसको ऑटोमेट किया जा रहा है और कॉन्स्टेंटली उसको ऑटोमेट वो होता चले जा रहा है। तो ऊपर जो हायर लेवल है, हायर लेवल पर आदमी खड़ा है, वो आदमी जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वही आदमी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसका होगा, रोबोट्स का नहीं होगा, आदमी का ही होगा, उस स्ट्रक्चर में आदमी ही होंगे। अगर मान लिया सपोज आपने सिस्टम से 4 आदमी निकाल दिए तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो हमारी स्टडी आईटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, बोलती है कि आईटी का एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा और वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बोलती है उसमें कुछ चीज़ें आउटसोर्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम काम करवा सकते हैं और बाकी चीज़ हमारे खुद इम्प्लॉय कर रहे हैं। हमारे खुद इम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसमें क्या है, लाइन मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर मान लिया कोई प्रोजेक्ट आया आईटी का, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करेगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम करेगी। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए हो सकता है, कंपनी के कस्टमर्स के लिए हो सकता है, कस्टमर के लिए होगा तो आउटबाउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होगी, और अगर इन इंटरनल कस्टमर के लिए होगा यानी कि कंपनी के लिए होगा, अगर कंपनी कुछ प्रोजेक्ट देती है इंटरनल टीम को, कंपनी अपने ही इंप्लॉई को, अपनी ही टीम को अगर कोई प्रोजेक्ट देती है तो इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है।
तो इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वो कंपनी के लिए एफिशिएंसी ला रही होती है, कंपनी को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही होती है। ऑटोमेशन होगा कंपनी में तो क्या होगा, आदमी का जॉब ऑटोमेशन ओवरटेक कर लेगा। आदमी को पैसा देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है, जॉब छोड़ के नहीं जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर लेने की ज़रूरत नहीं होती है और रिलायबली काम करता है एक सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को कम करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए, रिलायबली काम करने के लिए इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारी स्टडी जो है आईटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है और बोलती है कि आईटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। और इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, ड्यूटी को सेग्रीगेट किया जाएगा, एसेट और डेटा की कस्टडी पर्टिकुलर लोगों को दी जाएगी और उसकी एंट्री करने का काम दूसरे लोगों को किया जाएगा, दोनों को सेग्रीगेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी और एडमिन डिपार्टमेंट चीज़ों के ओनर होंगे, कई बार वो गड़बड़ी कर सकते हैं, वो एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। तो कस्टडी एसेट और डेटा की होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसी टाइप से डिज़ाइन किए जाने चाहिए जिससे कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो और एफिशिएंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की वजह से एक रीजनेबल लेवल, एक अच्छे लेवल के कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं। तो बेसिकली अगर मान लिया सपोज आईटी ऑपरेशंस या की बिजनेस प्रोसेसेस अगर आपने आउटसोर्स नहीं किए, आप आउटसोर्स कर सकते हैं, अगर आपने आउटसोर्स नहीं किए हैं तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप का मैनेजमेंट होगा। आउटसोर्स किए हैं नहीं किए हैं दो टाइप का मैनेजमेंट होगा, मतलब बेसिकली तीन तरीके से आप अपना आईटी का काम निकालोगे, आईटी या आईटी से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड काम निकालोगे, वो कुछ आउटसोर्स कर रखा होगा और कुछ इनसोर्स कर रखा होगा। तो इनसोर्स से हमें मतलब है हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग का स्ट्रक्चर नहीं होगा। आउटसोर्सिंग से को तो हमने धंधा दे दिया और उससे वो कैसे काम करा रहा है हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। हमें ये मतलब होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो उसे दिए हुए हैं या जो डिलीवरेबल्स हैं वो मीट आउट होने चाहिए। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की समय हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स होंगी और दूसरी लाइन मैनेजमेंट होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल होगी आईटी के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस हों, प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एक मेथोडोलॉजी होती है, उसके अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा, यानी प्रोजेक्ट को बना रहा होगा या आईटी प्रोजेक्ट को बना रहा होगा, यहाँ पर हम आईटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जब वो आईटी प्रोजेक्ट को बना रहा होगा तो वो बेसिकली क्या डेवलप कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर या उससे रिलेटेड चीज़ें डेवलप कर रहा होगा। तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा, कोई भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक लैपटॉप भी होगा। लैपटॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैपटॉप को मेंटेन करना, लैपटॉप की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन मैनेजमेंट की होगी। वो उसको लैपटॉप चाहिए होगा तो लाइन मैनेजमेंट से बोलेगा, अगर उसमें वायरस आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो लाइन मैनेजमेंट से बोलेगा कि इसको ठीक करो। अगर उसे एक सर्वर चाहिए होगा और सर्वर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, डेटाबेस सर्वर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो लाइन मैनेजमेंट से बोलेगा। लेकिन अगर एक नई चीज़ डेवलप करनी है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, सर्वर में डेटा एक पर्टिकुलर किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रिट्राइव होगा, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनेगा, ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वहाँ पर आती है जहाँ पर कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड जॉब होता है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उसका काम अनस्ट्रक्चर्ड है बिल्कुल। लाइन मैनेजमेंट टीम का जनरली क्या है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड जॉब है, रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, रेगुलर बिजनेस प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो उन्हें पता है लाइन मैनेजमेंट को वो क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को पता नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उन्हें एक आइडिया है, अंदाज़ा है, लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या एफिशिएंसी होगी, किस तरह से वो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट न्यू बॉर्न बेबी है, नया सॉफ्टवेयर है,
तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमारी स्टडी काफ़ी कुछ बात करती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट होता है स्ट्रक्चर। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रक्चर के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टीयरिंग कमेटी होगी, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें स्टीयरिंग कमेटी होगी, वहाँ पर प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट सबमिट की जाएगी और वो उसे प्रायोरिटाइज करेंगे और फिर वो किसको दे देंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को दे देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आईएएस स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, नॉन आईएएस स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, नॉन इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, लेकिन नॉन आईएएस स्टाफ मेंबर जनरली नहीं होगा, आईएएस स्टाफ मेंबर होगा जनरली। उसे नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, कैसे डेवलप करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ प्रोजेक्ट्स का, दो चार प्रोजेक्ट्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाता है, ऑपरेशनल कंट्रोल दे दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि आदमी ले लो और फिर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। मतलब आदमी ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए हो तो वो ले लो और इस पर काम स्टार्ट कर दो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली एक विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है, एक सपने को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं आप ये कह सकते हैं इंजन ऑफ चेंजेस हैं, वो चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो है चेंज को मैनेज कर रहा है और ट्रांजिशन को एफिशिएंट बना रहा है। तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो उसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनता है, वो स्कोप और बाउंड्रीज उसमें डिफाइन की जाती हैं, प्रोजेक्ट की रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती हैं प्रोजेक्ट की। लेकिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या स्ट्रक्चर हो ये प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, वो इसलिए क्योंकि मालूम पड़ा अगर आपको बहुत बड़ी ERP बनानी है तो आपको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है तो हो सकता है एक आदमी की ज़रूरत हो, एक आदमी के कुछ टाइम की ज़रूरत हो। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होगा ये बताना मुश्किल है, मतलब जो प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा ये जानना इजी है। अगर मान लिया सपोज विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी है या मीडियम साइज कंपनी है जो खूब सारे IT के प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो वहाँ पर एक स्टीयरिंग कमेटी होगी। स्टीयरिंग कमेटी होने के बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर्स कुछ प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे, उसके नीचे टीम मैनेजर होंगे जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसके बाद कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसके अलावा कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे में देना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के जो की आस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उसमें क्या है कि सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ओनरशिप होनी चाहिए जो क्लियरली आउटलाइन करेगी क्या प्रोजेक्ट है, क्या यूज़र का इन्वॉल्वमेंट होना है, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी आपको यूज़ करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होनी चाहिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स होंगे जो प्रोजेक्ट टीम के पार्ट, कभी कभी वो पार्ट होते हैं, कभी कभी वो उसके पार्ट नहीं होते हैं, तो जनरली उसके पार्ट नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल एडवोकेट्स और एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव व्यू दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टडी बोलती है कि जो IT मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो दो भागों में डिवाइड होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लाइन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमारी स्टडी बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसको समराइज अगर हम करें तो ये बोलें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टीम मैनेजर होगा और बाकी फिर जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है फ्लक्चुएटिंग होगा, वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट पर, कैसा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना छोटा प्रोजेक्ट है, उस पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम डिपेंड करेगी। इसके बाद आता है लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए होगा। तो सबसे पहले जो लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो होगा वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनका मेंटेनेंस हो रहा है और नॉर्मल IT फंक्शंस भी हो रहे हैं, तो डे टू डे चीज़ों का को मैनेज करना, डे टू डे IT एसेट्स को मैनेज करना, ये लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का काम होगा।
अब इसमें जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पर, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो स्टीयरिंग कमेटी होती थी, यहाँ टॉप मैनेजमेंट का काम यह है कि वो देखेगा डेटा प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स देखता है, टॉप मैनेजमेंट आपके पॉलिसीज़ देखता है, टॉप मैनेजमेंट जो है आपकी मोटे तौर पर चीज़ें देखता है, ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार चीज़ें हैं कि नहीं हैं ये देखता है, और वो लॉन्ग रन पॉलिसी डिसीजंस देखता है कि किस तरीके से इंटरप्राइज यूज़ हो रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल एफिशिएंसी आ रही कि नहीं आ रही, ये टॉप मैनेजमेंट देखता है और यही टॉप मैनेजमेंट देखेगा। उसके अलावा आईएएस मैनेजमेंट होता है, आईएएस मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लान करना, कंट्रोल करना सारी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी अगर एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना, और एक मालूम पड़ा नॉर्मल बंदा, सेल्स का बंदा भी एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें जो कंप्यूटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं उनको मैनेज करना। तो आईएएस मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट को पॉलिसी डिसीजन बताता है, लॉन्ग रन पॉलिसी डिसीजन के बारे में इनपुट्स देता है जिससे कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बनाने में ऑर्गेनाइजेशन के ये हेल्प करता है, आईटी ऑब्जेक्टिव और गोल्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है, तो वो क्या करता है कि अगर मान लिया सपोज़ कोई सिस्टम्स डिज़ाइन हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज हो रहे हैं, तो उन एक बार वो डेवलप हो जाते हैं, डिज़ाइन हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं और फाइनली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो ओवरटेक कर लेता है उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को, और इवन जब वो डिज़ाइन हो रहे होते हैं तो उनको आईटी से रिलेटेड सारी की सारी हेल्प देने लगता है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट होता है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट नए या ओल्ड सिस्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डेटाबेस लाइब्रेरी, एप्लीकेशन सिस्टम की लाइब्रेरी, इन सब को मैनेज करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिजिकल सिक्योरिटी, डेटा प्रोसेसिंग, आईएएस प्रोग्राम की सिक्योरिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट टीम क्वालिटी प्रोसेसिंग क्वालिटी को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो यानी कि दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट के, एक होता है लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नॉर्मल काम करेगा, रोजमर्रा के काम करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लेगा। तो बेसिकली इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के अलावा जितने भी आईटी से रिलेटेड चीज़ें वो लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी काम है वो लाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करेगा। ये आईएएस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये हमें इसलिए बताया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी के अनुसार काम करेगा, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग होगी, आईटी की स्ट्रक्चरिंग होगी। आईटी की स्ट्रक्चरिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्स होने के लिए ये स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, ये सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। मालूम पड़ा एक कंपनी है उसमें एक आदमी एडमिन का भी काम कर रहा है, आईटी का भी काम कर रहा है और अकाउंटिंग भी कर रहा है, बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें एक आदमी रख लिया जाता है और वो सारे काम करता है। कई बार मालूम पड़ा एक छोटी सी कंपनी है, 10-20 लाख का टर्नओवर है, उसमें एक आदमी रख लिया, तुझे आईटी भी आती है, अच्छा ठीक है एडमिन का ही है, और एडमिन और फाइनेंस में तो बहुत ज़्यादा होता है, तुझे एडमिन भी आता है, फाइनेंस भी आता है, आ जा, थोड़ा बहुत आईटी भी आता है, अच्छा आ जा, कंप्यूटर लगा वगा लेता है, ठीक है ओके आ जा। तो वहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं होगा कभी, वो ना आईटी का स्पेशलिस्ट है, ना फाइनेंस का स्पेशलिस्ट है, ना आईटी का स्पेशलिस्ट है, ना एडमिन का स्पेशलिस्ट है। लेकिन थोड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उसमें आईटी के अलग बंदे हो जाते हैं, फाइनेंस के अलग बंदे हो जाते हैं, एडमिन के अलग बंदे हो जाते हैं, तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए सपोज एक बंदा है वो परचेज़ कर रहा है तो रिकॉर्डिंग फाइनेंस वाला करेगा, परचेज़ डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, और बड़ी कंपनी हो जाती है तो परचेज़ डिपार्टमेंट बड़ा हो जाता है, तो वहाँ वो परचेजिंग को संभालने लगता है, परचेज़ के प्रोसेसेस बन जाती हैं, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेसेस बन जाती हैं, तो वहाँ पर परचेज़ उस तरीके से परचेज़ होने लगता है, परचेज़ मैनेजमेंट होने लगता है। तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता चले जाता है, और स्पेशलाइजेशन ये हेल्प करता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव रहें ऑर्गेनाइजेशन में,
और ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रोल्स को एफिशिएंट होने में वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हेल्प करता है, क्योंकि रोल्स डिफाइंड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है, अथॉरिटी डिफाइंड होती है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कहीं पर कम है कि बढ़ते हुए ऑटोमेशन की वजह से, आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, जब ऑटोमेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कई जगह पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कम है, तो वहाँ पर क्या है, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स होते हैं। तो बेसिकली हमारी स्टडी यही बताना चाहती है। आगे अगले टॉपिक है हमारी स्टडी में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे आईटी डिपार्टमेंट की, उसके बारे में हमारी स्टडी बताती है कि किस तरह से अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफाइन करेंगे और उन्हें कैसे सेग्रीगेट करेंगे। तो उसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।